क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के खिलाफ जारी अभ्यास मैच के दौरान वंडर बॉय पृथ्वी शॉ ने जोरदार बल्लेबाजी की, लेकिन 19 साल के इस बल्लेबाज की पारी का अंत एक ऐसी गेंद पर हुआ जिसे वो समझ नहीं पाए। दरअसल 22 के लेग स्पिनर डैनियल फेलिंस ने शेन वॉन के अंदाज में गेंद डाली जिस पर पृथ्वी शॉ चकमा खा बैठे और बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज फेलिंस ने पृथ्वी शॉ के पैर के पास अपनी फिरकी फेंकी जिससे पृथ्वी स्वीप करना चाहते थे। इस कोशिश में वो बुरी तरह चूके और पिच पर गिर पड़े। गेंद उन्हें छका कर पैरों के बगल से होती हुई स्टंप पर जा लगी। दूसरे छोर पर खड़े पुजारा बस देखते रह गए। 6 दिसंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के पहले सलामी बल्लेबाज पृथ्वी ने अभ्यास मैच में अपनी तैयारी परखी। उन्होंने 69 गेंदों में 66 रनों की जोरदार पारी खेली जिसमें उनके 11 चौके शामिल हैं। उन्होंने करीब 95.65 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। भारतीय टीम 358 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की ओर से इस मैच में पृथ्वी के अलावा कप्तान कोहली 64, चेतेश्वर पुजारा 54, अजिंक्य रहाणे 56 और हनुमा विहारी 53 रन बनाकर अर्धशतक जमा कर शानदार तरीके से अपना दावा ठोक रहे थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।